मुकुट भवानी वैष्णो मैया जन कल्याणी पिंडी रूप है नयन सुहाए भक्तन भव से पार लगाए काली लक्ष्मी सरस्वती माता पिंडी रूप जगत विख्याता गुफा के भीतर वास होकर थी पिंडी रूप में दर्शन देती चना उसी माँ ने बनाया भैरों माँ को पकड़ने
चरण निशान बनाए, चरण पादुका धाम बनाया। आगे बढ़ चली फिर महामाया, छुप गई एक गुफा के भीतर, लांगुर पहरा देता बाहर, भैरों लांगुर युद्ध हुआ था। पर कोई परिणाम न निकला, नौ महीने तक छुपी रही माँ, जैसे गर्भ में शिशु है रहता। गर्भ कल्याण।
विष्णु प्रिया लक्ष्मी सुखदाता धन और धान को देने वाली श्री देवी माँ जग प्रतिपाली क्षीर सिंधु में वास तिहारा श्री विष्णु संग जगत पसारा माँ दिति माँ श्रिया है माता आदि शक्ति जग की विख्याता लाल हरा परिधान आपका काम जगत कल्याण आपका शीश पे साजे मुकुट विशाला अरुकंठन मुकुटन की माला कोट सूर्य सम तेज तिहारा आपका तेज भरे उजियारा सूरज चंदा और सितारे चरणों में झुकते हैं सारे माँ लक्ष्मी है विराजती श्री विष्णु के धाम अदिति आहारा श्री प्रिया शत शत तुम्हें प्रणाम नम
लक्ष्मी दूज स्वरूप है, यश वैभव माँ देती खावे, धन का कलश हाथों में धरती, धन भंडार सभी के भरती, श्री हरि का सब ऋण है चुकाया, और कुबेर को था लौटाया, सभी ऋणियों का ऋण मैं चुकाती, सृष्टि यश मतिहारा गाती, धन लक्ष्मी तीजी है माता, धन अनाज की जमा को लगाए, महालक्ष्मी गुण को जगाए, मोक्ष परम पद मुक्ति पाए, कृपा तेरी महालक्ष्मी बनी रहे माँ पार, भरे रहे धन धन से भक्तों के भंडार, जय जय महालक्ष्मी।
सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
फिर भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया। करना है मुझको तप, माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन। बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी। देख के नर पक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता, मुझको दे दो आशीर्वाद। प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है यार। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। मात पिता की करने लगी प्रभु का ध्यान। अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए। देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या मुझको बतलाओ। बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े काम। श्री राम के करती।
सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। भक्त श्री धर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना खाऊं अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़ कर कन्या से कुछ पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज।
लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
छुपेगी कन्या, तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते हैं। झुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हैं पावन माँ का धाम यह।